हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे विकार टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों डिफेंस स्पेशल करंट अफेयर की क्लास रात के 12 बजे चलती है टॉपिक स्टडी चैनल पे, तो आप सबसे पहले इस टाइम को नोट कर लीजिए। अगर आप रात को 12 बजे इस वीडियो को नहीं देख पाते हैं, सो जाते हैं, तो आप मॉर्निंग में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। डेली मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें मैं आपको पिछले 6 से 7 महीने के करंट अफेयर कवर कराने वाला हूँ। इसी पैटर्न में अभी सबसे पहले हम जून मंथ की करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और ये फोर्थ पार्ट है जून मंथ का, ठीक है। फिर इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर इसी तरीके से कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। दोस्तों अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हमारे सारे कोर्सेज लाइव होते जा रहे हैं। बैंक, SSC, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी अदर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी सारे कोर्सेज वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जब भी आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करें तो 10% डिस्काउंट के लिए और जितने भी आपकी टेस्ट सीरीज और मैक्सिमम क्लासेस, बेनिफिट्स, नोट्स के लिए आपको कोड यूज करना है सौरभ 11। यानी कि जब भी आप अनअकैडमी पर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या कोड यूज करना है, ये कोड यूज करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं, सौरभ 11 कोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए अनअकैडमी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है अनअकैडमी के बारे में तो मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर दूंगा इस वीडियो के एंड तक जाते जाते, तो आप उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे नए कोर्सेज आ रहे हैं और सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने पूर्वोत्तर में 13,000 करोड़ रुपये निवेश करने का फैसला किया है? तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसका सही आंसर क्या रहेगा, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। इसका सही आंसर है जापान, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए इसे उत्तर पूर्व क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में चल रही नई परियोजनाओं में लगाया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। कितने? 13,000 करोड़ रुपये, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत को G7 शिखर सम्मेलन 2019 के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, यह सम्मेलन कहां पर होगा? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, फटाफट एक बार इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर दोस्तों रहेगा फ्रांस, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए 45वां जो है G7 का शिखर सम्मेलन वो 24 अगस्त से 26 अगस्त तक फ्रांस में हुआ है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दक्षिण सुडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन यानी कि UNMISS के कमांडर के रूप में निम्न में से किस भारतीय की नियुक्ति हुई है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल शैलेश तिनेकर इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा साउथ सूडान की राजधानी क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। देखिए साउथ सूडान की जो राजधानी है वो है जुबा, क्या है? जुबा। और करेंसी क्या है? पाउंड है, तो ये दोनों चीज भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नासा के अनुसार किस ग्रह का आंतरिक कोर ठोस धातु का बना है? तो ये आपको बताना है भाई, इसका सही आंसर क्या रहेगा, फटाफट आंसर कर दीजिए। बिल्कुल बुध, यानी कि दोस्तों मरकरी का, ठीक है। किसका? मरकरी का, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बिल्कुल इसका सही आंसर क्या रहेगा? अमिताभ घोष, वेरी गुड, ये आपको जरूर पता होना चाहिए दोस्तों। और यह 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, कौन सा? 54वां, ठीक है। और अमिताभ घोष यह पुरस्कार पाने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अमिताभ घोष को ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है और ये पहले व्यक्ति हैं जिनको अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों देखिए एक अनअकैडमी का जो प्लस कोर्स होता है उसको ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको 10 सेकंड में बता देता हूं। आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है।
उसको डाउनलोड करने के बाद में उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में आप उसमें आपकी एक लॉगिन आईडी बन जाएगी। फिर आप कोने में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइन है, वहां पे क्लिक करके अपना गोल सेट करना है कि आपको रेलवे की तैयारी करनी है, डिफेंस की करनी है, या बैंक की करनी है, एसएससी की, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे गोल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जितने भी मंथ का आपको कोर्स लेना है, 12 मंथ का, 6 महीने का, जितने का भी, तो आपको वो सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जब आप पेमेंट करेंगे, उससे पहले आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा एंटर रेफरल कोड, वहां पे आपको 1611 कोड डालना है और अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। इससे आपको 10% का तो डिस्काउंट मिलता है गाइज, बाकी जैसे टेस्ट सीरीज होती है सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है परचेज करने में तो मैं आपको एक डिस्काउंट सॉरी एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है? ये नंबर है 7467, ठीक है, 01-2911, 7467-01-2911। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर कौन सा कोर्स ही चल रहा है, या फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है वो भी आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, जो 17वीं लोकसभा के प्रोटोम स्पीकर बने थे वे कौन थे, ये आपको बताना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, ये सभी का आंसर सही आना चाहिए भाई, इसका सही आंसर रहेगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है? बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले डायनासोर संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारत के पहले डायनासोर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है दोस्तों किस राज्य में? गुजरात में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, नवीनतम एटीपी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो यहां पे इसका सही आंसर रहेगा नोवाक जोकोविच, ये पहले स्थान पर है। बाकी राफेल नडाल कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई? चलिए, आप यहाँ पे रोजर फेडर का भी लिख सकते हैं, ये तीसरे स्थान पर है, तो ये तीनों को आपको याद रखना है, पहले 3 स्थान। नेक्स्ट है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार विश्व की सबसे अमीर महिला संगीतकार कौन है? विश्व की सबसे अमीर महिला संगीतकार दोस्तों कौन है? बिल्कुल, रिहाना, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। इनका जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ है? बिल्कुल, बारबडोस में हुआ है। उनकी कुल संपत्ति कितनी है? 600 मिलियन डॉलर, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। G20 के वित्तीय मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? G20 की जो हुआ था दोस्तों 14th G20 2019 में, उसके मतलब इसमें वित्तीय मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई? तो ये हुई है जापान में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? कहां पे? जापान में। और कौन से नंबर का था ये? 14th, तो ये आपको याद रखना है। भारत ने स्पाइस 2000 बॉम्ब्स खरीदने के लिए किस देश से सौदा किया है? भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के किसी भी एग्जाम में आ सकता है। और इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, इसराइल इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है? इसमें अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, इसराइल की राजधानी क्या है? बिल्कुल, यरूशलम राजधानी है। और यहाँ पे करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? न्यू स्केल, तो ये भी आपको याद रखना है। किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? यानी कि अभी ये ले चुके हैं, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है दोस्तों, जून जुलाई का। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा युवराज सिंह ने। देखिए, युवराज सिंह ने भारत के लिए 40 टेस्ट खेले हैं, 304 वनडे खेले हैं और 58 T20 मैच खेले हैं, तो ये सारे आप याद रख सकते हैं, ठीक है भाई? चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फ्रेंच ओपन 2019 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन, देखिए इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, और जो कि आज आज अपलोड हो जाएगी या फिर कल अपलोड हो जाएगी, ठीक है? आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। और उस वीडियो में मैंने सारे ही जितने भी आपके ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं वो सारे कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस वीडियो को जरूर देख लेना। इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? एसले बार्टी, ठीक है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। एसले बार्टी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए,
अफ्रीकन यूनियन से किस देश को बाहर कर दिया गया है? तो देखिए, सूडान को जो है अफ्रीकन यूनियन से बाहर कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही सॉरी फ्रेंच ओपन 2019 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक सेपरेट वीडियो मैंने इसकी बनाई है, वो जरूर देख लेना। इसका सही आंसर रहेगा राफेल नडाल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइस। राफेल नडाल इसका सही आंसर रहेगा, और राफेल नडाल दोस्तों कहाँ से हैं? स्पेन से हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, किसने कनाडाई ग्रां प्री 2019 जीत ली है? दोस्तों बिल्कुल सही, इसका सही आंसर रहेगा लुइस हैमिल्टन, हैमिल्टन लुइस हैमिल्टन इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कचरे से बिजली प्राप्त करने वाली भारत की पहली परियोजना कौन सी है? देखिए इसका सही दोस्तों आंसर रहेगा दिल्ली मेट्रो, ठीक है ना। दिल्ली मेट्रो को गाजीपुर में स्थित कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्र से बिजली मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसलिए कचरे से बिजली प्राप्त करने वाला जो भारत का पहली परियोजना है वो दिल्ली मेट्रो है, तो याद रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है कासिम जोमार्त टोकायव किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बिल्कुल दोस्तों, ये है कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? नूर सुल्तान जो है राजधानी है किसकी? कजाकिस्तान की, तो ये आपको याद रखना है। देखिए राजधानी जितनी भी इम्पोर्टेंट होती है, मैं साथ साथ में आपको बताता हुआ चलता हूँ। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किस वर्ष से देश में एकल उपयोग यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक वाले प्लास्टिक पर बैन लगाने की घोषणा की है दोस्तों? ये आपको बताना है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर बैन लगाने की घोषणा की है कनाडा के पीएम ने कब से, ये आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 2021 से, ठीक है। और यहाँ पे कनाडा की अगर मैं राजधानी की बात करूँ तो क्या है? ओटावा, ठीक है। और मुद्रा क्या है? कनाडाई डॉलर, ये मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, ठीक है भाई। चलिए, भारत के एकमात्र वन मानुष का क्या नाम था जिसकी हाल ही में मौत हो गई? बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बिन्नी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये दोस्तों उड़ीसा के जो है एक पार्क है उसमें इसकी मौत हुई है, तो ये आपको याद रखना है। अंतरिक्ष सॉरी अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहां पे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में जो नियुक्त है दोस्तों वह है शरद कुमार, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चिल्ड्रन लेबर? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 12 जून को, जून मंथ की हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इस बार की जो थीम थी वो भी आप याद रख सकते हैं, इस बार की थीम थी चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन फील्ड्स बट ऑन ड्रीम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका में गोल्डन अवार्ड जीता है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका सही आंसर रहेगा महिंद्रा ने, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह अवार्ड नेशनल ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है,
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्यसभा के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं दोस्तों थावरचंद गहलोत, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा VS धनोआ, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और VS धनोआ वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख भी हैं, तो ये आपको याद रखना है। बाकी वैसे यहाँ पे बाकी दोस्तों वर्तमान में जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं वो कौन है? चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ गए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI के कॉरपोरेट लोन को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर रहेगा TN मनोरण, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 शुरू होने से पहले लंदन के लॉर्ड्स ग्राउंड में किस खिलाड़ी के मोम के स्टैचू का अनावरण किया गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका सही आंसर रहेगा विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय इतिहास में पहली बार किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है। ठीक है, तो ये आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका सही आंसर रहेगा प्रशांत कुमार, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसे फिर से उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों IV सुब्बाराव, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन्हें उपराष्ट्रपति का सचिव बने रहने की मंजूरी दी है, तो ये आपको याद रखना है। तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में थे 30 क्वेश्चन, आपने कितने सही किए सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। फिर आगे भी इसी तरीके से 12 बजे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।